हेलो किड्स, यह है आपकी हिंदी व्याकरण की किताब सुगम हिंदी व्याकरण। तो आज हम व्याकरण में पढ़ने वाले हैं पाठ 4, शब्द और वाक्य, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। शब्द मीन्स वर्ड्स और वाक्य मीन्स सेंटेंसेस। आपने पिछले पाठ में वर्णों के बारे में पढ़ा था। उन्हीं वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। ध्यान दीजिए, क प्लस म प्लस ल क्या बना? कमल। कमल का अर्थ एक फूल का नाम, ये है कमल। तो इससे क्या पता चलता है कि हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो वर्णों को जोड़कर, ये सब वर्ण हैं, क म ल ये वर्ण हैं, और इन्हें जोड़कर शब्द बनता है। देखो, बना कमल शब्द। कमल एक शब्द है जो कि एक फूल का नाम है। इसी तरह अब हम ल प्लस क प्लस म को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? लकम। ये लकम होता क्या है? पता नहीं, कुछ नहीं होता। क्या हुआ? कुछ नहीं बना। हमने वर्णों को जोड़ा तो, लेकिन ठीक से नहीं जोड़ा, तो हमें कोई एक शब्द मिला जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। लकम मिल गया। इस मीन्स देखो, पहले अच्छे से वर्णों को, क पहले था, फिर म था, फिर ल था। इसमें ल पहले आ गया और क उसके बाद, फिर उसके बाद म, तो लकम बना। और लकम का कोई मतलब ही नहीं होता। तो अगर हम वर्णों को अच्छे से नहीं जोड़ेंगे तो उसका कोई, जब वो शब्द बनेगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा, तो वो गलत हो गया, कोई शब्द नहीं बना वो। तो देखो बच्चों, कमल का कुछ अर्थ होता है, लकम का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए शब्द बनाते समय वर्णों को सही जगह प्रयोग करना चाहिए, तभी शब्द बनता है। तो इससे आपने क्या सीखा? अगर हमें कोई शब्द बनाना है तो वर्णों को सही से प्रयोग करेंगे, सही जगह वर्णों को लिखेंगे। ये नहीं कि कहीं भी कोई भी वर्ण लिख देंगे तो शब्द बनेगा, नहीं। वर्णों को आप सही से तरीके से लिखेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा और उस शब्द का अर्थ होगा। अगर वर्णों को आप सही तरीके से नहीं लिखेंगे, नंबर 1 नंबर 2 के नंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? वो शब्द तो बनेगा बट उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा, कोई शब्द नहीं बनेगा इसका मतलब। तो ऐसे काम करने से क्या फ़ायदा? वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है। तो इतना पढ़ने के बाद हमें पता चला कि वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है। शब्द कैसे बनता है? वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है, ठीक है। फिर चलिए अब शब्द बनाएं। अब शब्द बनाते हैं। देखिए, म प्लस ग प्लस र मगर, न प्लस ल नल। अब यहाँ पर आप शब्द बनाइए, म प्लस ट प्लस र मटर। यहाँ मटर लिखिए, म ट र, श ल ग म। तो आप शलगम लिखिए, श ल ग म। यहाँ पे हमने क्या किया है? वर्णों को सही से जोड़ा है और फिर शब्द बना दिया। यहाँ पे क्या है? अ, फिर च, फिर क और न, क्या बन गया? अचकन। अब हम वाक्य पढ़ेंगे। शब्द तो हमने बना लिया, अब वाक्य बनाएंगे। पहले हमने वर्णों के सही मेल से शब्द बनाया, अब हम शब्दों के सही मेल से वाक्य बनाएंगे। चलिए बनाते हैं बच्चों। हम लोग आपस में कई वाक्य बोलते हैं, जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, है ना। जिस तरह सही जगह सही वर्णों का प्रयोग करने से शब्द बनता है, उसी तरह वाक्य बनाते समय भी शब्दों का सही जगह प्रयोग करना जरूरी है। इसे ध्यान से देखिए, मैं हूँ खाता खाना, ये एक शब्द हो गया, ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये शब्दों को जोड़ के वाक्य बना। लेकिन क्या ऊपर लिखे गए वाक्य में शब्द ठीक लिखे हैं, लेकिन शब्दों को सही जगह पर नहीं रखा गया, इसलिए यह वाक्य गलत है।
मैं हूँ खाना, खाना खाता खाना, गलत है ना? आप नॉर्मली क्या बोलोगे? मैं खाना खाता हूँ, ये सही शब्द हो, सही वाक्य होगा। अब हम इन शब्दों को सही जगह पर रखकर सही वाक्य बनाएंगे। देखिए आपकी बुक में बना हुआ है, मैं खाना खाता हूँ, ये सही वाक्य है। इट मीन्स शब्दों को सही ढंग से रखा है और सही वाक्य बना है। अब यह वाक्य ठीक है, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। इतना पढ़ने के बाद हमने सीखा शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, ओके। और पहले क्या पढ़ा था हमने? वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है। और अभी क्या पढ़ा? शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, ओके। चलिए अब वाक्य बनाएं। अमन स्कूल जाता है, अमन स्कूल जाता है। मम्मी खाना बनाती हैं। ये शब्दों को जोड़कर यहाँ वाक्य बन गया। ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, इनको जोड़ के हमने क्या बना दिया? वाक्य। और अब आप भी बनाइए। तो मैं प्लस कार प्लस से प्लस खेलता प्लस हूँ, तो कैसे बनेगा? मैं कार से खेलता हूँ, बन गया सही वाक्य। अब दूसरा, गाय प्लस घास प्लस खाती प्लस है, तो आप क्या लिखोगे? गाय घास खाती है, हो गया कंप्लीट। तो आपका पाठ समाप्त हो गया। आओ पाठ दोहराएं। पाठ में आपने क्या पढ़ा, इसको दोहराते हैं। सही वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है, यही आज आपने पाठ में सीखा। तो अब तो समझ में आ गया ना आपको कि शब्द कैसे बनते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं। ओके बाय।